सबसे पहली बात यह है कि नंबर्स कितने टाइप्स के हैं वो मैंने मेंशन कर दिया। उन नंबर्स में कौन कौन से आ रहे होते हैं, हर सेट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर आ रहे होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर में वन से आ रहे हैं, इसी तरह हर सेट का ही पढ़ेंगे। ऊपर से एक मैंने ट्री डायग्राम भी बना दी है, उससे भी आप लोगों का अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहला सेट है नेचुरल नंबर, आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर 1, 2, 3 और ऑनवर्ड चलता रहता है इनफाइनाइट तक। इसी तरह होल नंबर की अगर बात की जाए तो होल नंबर में जस्ट 0 ऐड है। नेचुरल नंबर में अगर आप 0 ऐड कर दो तो आपके पास होल नंबर आ जाते हैं। इनके सिंबल भी बड़े इंपॉर्टेंट है, तो सिंबल से आप लोग याद रखना, क्योंकि आमतौर पर इंटीजर्स को लोग समझते हैं कि इसका सिंबल आई है, हालांकि इंटीजर्स का सिंबल क्या होता है, कैपिटल जेड। तो इस चीज का आपने फोकस करना है जितने हैं ना, क्योंकि सेट को आप कैपिटल से शो करते हो, जो सेट की नोटेशन है सेट को हमेशा आप कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे होते हो, तो यहां पे सब आपको कैपिटल में रहेंगे। इंटीजर्स में आपके पास अगर आप गौर से देखो, इसमें नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, और अगर आप इंटीजर्स को डिफाइन करो तो उसका तरीका ये होगा कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो, ये सब आपस में कंबाइन हो जाए तो जो सेट आपके पास आता है उसको आप बोलते हो इंटीजर्स। इसी तरह अगर मैं बात करूं जस्ट पॉजिटिव इंटीजर की, यहां पे देखो तीन टाइप के मैंने आपको बताए हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा पूरा नेगेटिव नेचुरल नंबर, और आपके पास एक है जीरो। अगर मैं सिर्फ बात करूं पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो याद रखना पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर एक ही चीज है। पॉजिटिव इंटीजर्स भी आपके कौन से हैं, 1, 2, 3 है। और अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं तो नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे कि आप नेचुरल नंबर के जितने एलिमेंट हैं उनको आप नेगेटिव कर दो, तो सारे आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जीरो जीरो ना पॉजिटिव नंबर है, जीरो ना नेगेटिव नंबर है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव में उसको मैंने शामिल नहीं किया। इसी तरह अगर आप ऑड नंबर्स की बात करो, पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग, 1, 3, 5 ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो सब आपके पास क्या होते हैं, ऑड होते हैं। और ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोल रहे होते हैं। अब यहाँ पे जब ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स की हम बात करते हैं ना, तो उसमें जस्ट पॉजिटिव हम कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप बात करते हो ना ऑड इंटीजर्स की, ऑड इंटीजर्स या इवन इंटीजर्स, तो उसमें नेगेटिव भी आ जाते हैं। जैसे 1 जो है वो 1, 3, 5 ऑड है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑड इंटीजर्स की तो 1, 3, 5 भी ऑड इंटीजर है, और -1, -3, -5 वो भी ऑड इंटीजर कहलाया जाएगा। तो जब ऑड इंटीजर की बात की जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं आमतौर पे, और जब ऑड नंबर्स की बात की जाए तो सिर्फ पॉजिटिव हम कंसीडर कर रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इवन नंबर में आपको जीरो नजर आ रहा होगा। अब कितनी चीजें आप लोग खुद भी थोड़ी रिसर्च करना, आप लोगों की मैथ स्ट्रांग होगी कि जीरो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। देखो इससे रिलेटेड दो बातें मैं आप लोगों को बता दूं, खैर बाकी बहुत बातें मिल जाएंगी आपको नेट पे भी। पहली बात यह है कि हमेशा आपने देखा है 1 ऑड है तो 1 के बाद क्या आता है, इवन नंबर आएगा, 2 इवन है, इवन के बाद क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, 3, ठीक है। तो अगर आप देखो पैटर्न है इवन ऑड, इवन ऑड, 1 ऑड 2 इवन, 3 ऑड 4 इवन, 5 ऑड 6 इवन, ठीक है। तो अगर आप बैकवर्ड में जाओ, बैकवर्ड मतलब आपके पास अगर मैं बात करूं 4 जो है ये ऑड है, 3 जो है सॉरी 4 जो है इवन है, 3 है ऑड, 2 है इवन, 1 है ऑड, तो 0 क्या होगा, असूलन तौर पे 0 को क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। तो पहली एक्सप्लेनेशन ये है। दूसरी आप ये भी दे सकते हो कि भाई 0 जो है डिविजिबल बाय 2 है, अगर आप 0 डिवाइडेड बाय 2 करो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है कि आंसर में आपके पास इंटीजर आना चाहिए। अब जैसे 1 जो है वो डिविजिबल नहीं है 2 से, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 2 कोई पॉइंट में वैल्यू आती है, इंटीजर नहीं आता। अगर यहाँ पे इंटीजर आ जाए तो हम बोलते हैं कि डिविजिबल है वो। खैर आप लोग खुद भी थोड़ी रिसर्च करना, आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। तो इसलिए इन 2-3 और भी वजूहत आपको मिल जाएंगी जिसकी वजह से 0 जो है वो इवन नंबर में कंसिडर होता है, ऑड में नहीं होता। इसी तरह अगर आप प्राइम नंबर्स की बात करो तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद होते हैं। जैसे अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं 25 के फैक्टर बनाओ, तो 25 के फैक्टर बनाने का तरीका क्या होगा, 25 का एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर 25 खुद है, ठीक है। तो ये वाला नंबर प्राइम नहीं कहलाया जाएगा क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं, कम से कम मैक्सिमम 2 फैक्टर हो सकते हैं, या मैक्सिमम भी नहीं बोल सकते,
आप इसको ये बोलोगे एग्जैक्ट दो फैक्टर होने चाहिए, अगर एक फैक्टर भी है तो भी वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर उसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हैं तो उसको आप बोलोगे प्राइम नंबर। तो 25 के तीन फैक्टर प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, जैसे मैं 7 की बात करता हूँ, 7 के सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, 1 और 7 है। इसी तरह आमतौर पर लोग 2 को प्राइम नंबर शामिल नहीं करते, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 के सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक 1 और एक 2 खुद ही, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो जिनके दो फैक्टर हो, एक तो 1 हो और दूसरा वो खुद ही अपने आप हो, जैसे 11 का एक फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर 11 खुद ही है। और दूसरी कन्फ्यूजन प्राइम नंबर से ये होती है कि वो 1 को भी प्राइम नंबर समझते हैं। अगर आप देखो 1 का जस्ट एक ही फैक्टर है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि खुद है वो, ठीक है। तो दैट्स वाई दो फैक्टर होने चाहिए, 1 के दो फैक्टर नहीं है इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो ये बात होगी प्राइम नंबर से रिलेटेड। उसके बाद आपके पास ऐसे नंबर हैं जिनको आप लिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये इतने ज़्यादा नंबर्स हैं, इतने इनफाइनाइट नंबर्स हैं। जैसे अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं तो 2 और 3, ये जस्ट मैंने दो इंटीजर्स लिखे हैं, इसके दरमियान इनफिनिट रैशनल नंबर्स हैं। आप लातादाद रैशनल नंबर बना सकते हो, आप 2.1 बना सकते हो, 2.11 बना सकते हो, 2.111, इस तरह करते करते आप लातादाद रैशनल नंबर्स बना सकते हो, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स को कभी भी आप लिस्ट बना के नहीं लिख सकते, कितनी लिखोगे लिस्ट, कितनी बनाओगे। तो ये इन्फिनिट आपके पास सिर्फ दो इंटीजर के दरमियान आपके पास इन्फिनिट रैशनल नंबर्स हैं। तो सोचो अगर मैं 2 और 4 के दरमियान मांगू तो वो तो डबल इन्फाइनाइट हो जाएंगे। तो आप लोगों का अंदाजा हो जाएगा कि रैशनल नंबर काफ़ी इन्फाइनाइट नंबर्स होते हैं इसके अंदर। तो तभी हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। रैशनल नंबर मेरा अगला टॉपिक है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो ऐसे नंबर्स जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। रैशनल नंबर x के बराबर है सच दैट x जो है वो p ओवर q है, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में आपने लिखा हुआ है। फॉर ऑल p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, इसमें शर्त ये होती है कि आप फ्रैक्शन की फॉर्म में तो इसको लिखोगे, मतलब कोई भी नंबर जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सको वो रैशनल है, लेकिन साथ साथ ये भी शर्त है कि उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। अगर ये इंटीजर्स के अलावा किसी और से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो रैशनल नंबर नहीं है। बाकी मजीद मैं रैशनल नंबर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं हो सकता, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए ना तो फ्रैक्शन आपकी अनडिफाइन हो जाती है, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर को जीरो नहीं करते। ये अनडिफाइन के बारे में आप लोग बाद में भी इंशाल्लाह चैप्टर्स में मजीद पढ़ोगे। फिर अगर बात की जाए इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो तभी मैंने लिखा है एक्स नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, बाकी शर्त तो वही रहेंगी कि पी और क्यू इंटीजर और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। आखिरी आपके पास है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई, एक आपके पास है रैशनल नंबर्स, ठीक है, लेट कर लो इतने रैशनल नंबर हैं आपके पास, हालांकि इनफाइनाइट है लेकिन लेट कर लो इतने रैशनल नंबर्स हैं और इतने इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। अगर आप इन रैशनल नंबर और इन रैशनल नंबर को एक सेट के अंदर लिख दो, रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को एक बड़े सेट के अंदर लिख दो, तो वो जो बड़ा सेट पूरा बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, रियल नंबर्स बोलोगे। मतलब रियल नंबर्स में रैशनल भी आ जाएंगे, रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। दैट्स वाई मैंने लिखा है एक्स इक्वल टू पी ओवर क्यू, ये मैं रैशनल की बात कर रहा हूँ, और एक्स नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू ये मैं इरेशनल की बात कर रहा हूँ। तो रैशनल इरेशनल दोनों आ जाएंगे। रियल नंबर की एक और भी फॉर्म बड़ी मशहूर है, वो हम इस तरीके से लिखते हैं कि रियल नंबर्स बराबर हैं क्यू यूनियन क्यू प्राइम। मतलब रियल नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, जो मैंने अभी आपको बताया। यूनियन में क्या होता है, हम दोनों सेट के एलिमेंट लिख रहे होते हैं, तो आप क्यू के एलिमेंट लिखो, आप क्यू प्राइम के एलिमेंट लिखो, तो आपके पास क्या आता है, रियल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है जितना मैंने डिटेल में आप लोगों को नंबर्स के बारे में सिखाया है, और अब कन्फ्यूजन नहीं होगी कभी भी नंबर्स के बारे में, ठीक है। साथ मैंने एक ट्री डायग्राम भी बना दिया है ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाए। देखो सबसे बड़ा नंबर जो है, सबसे बड़ा वो रियल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स के बारे में हम मजीद अगली वीडियो में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर की दो टाइप्स हैं, एक है रियल और एक है इमेजिनरी। इमेजिनरी की आपको कोई टाइप नहीं मिलेगी, दैट्स वाई उस बेचारी का ट्री खत्म हो गया यहीं पे। बेचारी या बेचारा जो भी है, इसका जेंडर मुझे नहीं पता,
उसके बाद रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में दो आते हैं, अभी आप लोगों को बताया, एक रैशनल होता है और एक इरेशनल होता है। इरेशनल की भी कोई आपकी टाइप नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। रैशनल की दो टाइप्स होती हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। अच्छा, फ्रैक्शंस में डेसिमल भी आ जाते हैं ना, मतलब फ्रैक्शन को अगर आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ऑब्वियसली वो भी आपके पास क्या होंगे, रैशनल ही होंगे। तो फ्रैक्शन के अंदर ही डेसिमल भी आपके पास आ जाएंगे, और रैशनल जितने इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल हैं, मतलब इंटीजर सारे रैशनल हैं, फ्रैक्शन जितनी है वो सब आपके पास रैशनल है, क्योंकि जितने इंटीजर्स हैं उसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो ना। जैसे आपके पास एक इंटीजर है 4 को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दो, 4/1, ठीक है। तो रैशनल नंबर में आपके पास इंटीजर्स आ जाते हैं। अब जब मैंने बोला कि रैशनल नंबर में इंटीजर्स आते हैं, तो इंटीजर्स के अंदर तो ये सारे नंबर हैं। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि नेचुरल नंबर रैशनल है या नहीं, भाई अगर नेचुरल नंबर इंटीजर है तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर रैशनल भी होगा, ठीक है। तो इंटीजर्स में ये 5 कैटेगरी और आ जाती हैं, जो मशहूर नंबर है वो भी मैंने शामिल कर दिए। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स में होल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स में जस्ट ऑड नंबर भी आ जाते हैं, और इंटीजर्स में इवन नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स में प्राइम नंबर भी आ जाते हैं। तो ये जो 5 मैंने लिखे हैं ना, ये सब भी रैशनल होंगे। ये सब इंटीजर्स हैं और इंटीजर रैशनल है, इसका मतलब है ये सब भी आपके पास रैशनल है। और दूसरी टाइप है फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो भी मैंने मेंशन कर दी। सबसे मशहूर फॉर्म है, सबसे मशहूर फ्रैक्शन जो है वो कॉमन फ्रैक्शन है। कॉमन फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके पास इंटीजर है। जैसे मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूँ 1/2 / 2। अब ये आपके पास कॉमन फ्रैक्शन नहीं है, कॉमन फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करने के बाद आएगी। अभी कॉमन फ्रैक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इसका न्यूमरेटर देखो तो न्यूमरेटर इंटीजर नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर किसी फ्रैक्शन का इंटीजर हो तो उसी को आप कॉमन बोल रहे होते हो। इसको सिंप्लीफाई करो ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये फॉर्म जो है इसको आप कॉमन बोलोगे क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है। इसी तरह एक आपके पास होती है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन वो वाली फ्रैक्शन होती है जिसमें डिनोमिनेटर 10 की पावर हो। 10 की पावर मतलब 10, 100, 1000, 10,000। जब भी डिनोमिनेटर आपका 10 की पावर में आ रहा है, मतलब 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो उस वाली फ्रैक्शन को आप क्या बोलते हो, डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, उसको आप प्रॉपर बोलते हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, इम्प्रॉपर हो जाएंगी। और एंड पे मिक्स होती हैं। मिक्स वो होती है कि मिक्स फ्रैक्शन में आप एक होल नंबर लिखते हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हो, जैसे 2/1/2। ये आपने देखी भी होंगी, इनको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में दो चीज़ें आती हैं, एक तो होल नंबर होता है, कोई भी होल नंबर लिखा हुआ है आपने, और एक आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इसको देखो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इस पूरी को 2/1/2 को आप क्या बोलते हो, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हो। तो भाई ये पूरे नंबर्स के बारे में जितनी डिटेल में जा सकता था मैं जाके आप लोगों को समझा।